दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक नए ऐड की, ठीक है। उस ऐड का नाम है ऐप इंस्टॉल्स। वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक नए ऐड की, ठीक है। उस ऐड का नाम है ऐप इंस्टॉल्स कि आप अगर मार्केट के अंदर अपना कोई ऐड चलाना चाहते हैं किसके लिए, ऐप इंस्टॉल्स के लिए, मतलब आपकी जो इंस्टॉलेशन है ऐप की ज्यादा से ज्यादा हो सके। दोस्तों चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं इस ऐड को। सबसे पहले हमें ऑप्शन पर क्लिक करना है क्रिएट के, उसके बाद हमारा जो ऑप्शन आ रहा है ऐप इंस्टॉल्स, इस पर क्लिक करना है आपको, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट दे रखा है वो क्या है कि ज्यादा से ज्यादा हमारी क्या हो सके, इंस्टॉल हो सके ऐप, ठीक है। चलो मैं इस पर ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद हम ऐप ऐड लगाना है हमें, तो ठीक है ऐप ऐड पे ऑलरेडी क्लिक है। यहाँ पे इंस्टॉलेशन मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इंस्टॉलेशन ऑफ एप्स, ठीक है। मान लीजिए मैंने कैंपिंग का नाम ये रख दिया है, तो इसके बाद मुझे बजट रखना है यहाँ पर, तो बजट देखते हैं कितना रखते हैं। बाई डिफॉल्ट मैं इसको 1000 कर देता हूँ, 8000 दिखा रहा है यहाँ पर, तो मैं इसको बंद कर देता हूँ फिलहाल के लिए। और उसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन आता है हमारा वो आया है कंटिन्यू, और हमें क्या करना है यहाँ पर कंटिन्यू करना है। उसके बाद हमारा एक एडसेट लेवल आएगा, एडसेट लेवल में हमें सबसे पहले क्या करना है, एड का नेम, मीन्स एडसेट का नेम। उसके बाद बोल रहा है नेक्स्ट ऑप्शन ऐप, चूज द ऐप डेट यू वॉन्ट टू प्रमोट, आप किस ऐप को प्रमोट करना चाहते हैं और वो आपकी ऐप पे कहाँ, ऐप कहाँ पर अवेलेबल है, क्या गूगल प्ले पे है, आईटोन्स पे, आईटोन्स फॉर पैड के लिए, किसके लिए। तो मान लीजिए मैं अभी एक एग्जांपल लेता हूँ कि हमारे पास जो ऐप है वो दे रखी है गूगल प्ले पर, तो दोस्तों मैं उसके लिए मैंने एक यूआरएल निकाल लिया अपना ये उस ऐप का, तो ऐप का यूआरएल निकाल लिया। उसके बाद मैं इसको यहाँ पर पुट करता हूँ, यहाँ देख सकते हैं एंटर ऐप नेम, तो यहाँ पर ऐप नेम और आईडी आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये फैच कर लेगा यहाँ से, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद जो हमारा ऑप्शन दे रखा है क्रिएट ऑडियंस सेव ऑडियंस, मान लीजिए मैं जो मैंने ऑलरेडी सेव कर रखी ऑडियंस उसके लिए चलाना चाहता हूँ, क्योंकि रियल एस्टेट के लिए मैं सेव कर रखी ऑलरेडी, इससे पहले मैंने वीडियो बनाई थी उसमें सेव की थी, तो मैं उसी ऑडियंस का यूज करना चाहता हूँ, तो मैंने इसमें उसी का यूज कर लिया। उसके बाद मैंने आपको बताया कि मोस्ट ऑफ द टाइम आपको क्या चलाना चाहिए, मैनुअल प्लेसमेंट, मैनुअल प्लेसमेंट में जहाँ आप चलाना चाहते हैं उसको चेक कर दिए, बाकी सबको अनचेक कर दीजिए। मान लीजिए इसको मुझे चलाना है केवल फेसबुक पर चलाना है, ठीक है, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा फेसबुक पर ओनली ऑन, और कहाँ चलाना है प्लेसमेंट आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, अदरवाइज मैं इस पर बाई डिफॉल्ट रहने देता हूँ ऐसे ही। उसके बाद हम ऑप्शन देते हैं किसके लिए ऑप्टिमाइज करना है, मुझे लिंक क्लिक के लिए करना है, कि मुझे क्या करना है कि लिंक पर क्लिक करवाना है किसके, ऐप के, तो इसलिए मैं यहाँ लिंक क्लिक रहने देता हूँ। और उसके बाद जो हमारा ऑप्शन आता है वो आता है एड लेवल, एड लेवल का ऑप्शन आता है, तो इसका नेम दे रखा था यहाँ पर ऐप इंस्टॉलेशन, सुबह से मैं वही नाम डालते आ रहा हूँ, तो यहाँ भी वही कर देता हूँ, इंस्टॉलेशन ऑफ एप्स, ये कर दिया हमने यहाँ पर इंस्टॉलेशन ऑफ एप्स। उसके बाद हमें क्या करना है भाई, फेसबुक का पेज हमें चूज करना है, उसके बाद इंस्टा का पेज चूज करना है, अगर इंस्टा का हमने ऑप्शन प्लेसमेंट में रखा है तब, अदरवाइज आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, ठीक। उसके बाद हमें क्या करना है, एक इमेज चूज करनी है, वो कहाँ से करेंगे हम, ऐड मीडिया से, ऐड मीडिया पे हमें ऑप्शन दे रखा है चूज अ वीडियो और इमेज, मेरे पास इमेज दे रखी है, ठीक है, तो मैं उसी का यूज़ करता हूँ फिलहाल के लिए। मैं इस इमेज का यूज़ कर लेता हूँ, होम का हाउस दे रखा है ये, इस इमेज का यूज़ कर लेता हूँ मैं फिलहाल के लिए। देखिए अब यहाँ बोल रहा है ये टेक्स्ट, टेक्स्ट क्या चाहिए, वाई मैं डाल देता हूँ यहाँ पे, वाई द प्रॉपर्टी, वाई द प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी, ठीक है, वाई द प्रॉपर्टी फॉर योर चिल्ड्रन, ठीक है। मैं यहाँ पे यह टेक्स्ट डाल देता हूँ फिलहाल के लिए, ये हमारा टेक्स्ट हो गया। मान लीजिए मैं इसी को ही क्या रखना चाहता हूँ, हेडिंग रखना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे हेडिंग डाल दूँ, देखिए यहाँ पे हेडिंग आपको यहाँ पे दिखाई देगा, बाय द प्रॉपर्टी और बाय द प्रॉपर्टी फॉर योर चिल्ड्रन, एक हेडलाइन तैयार की वो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों जैसे ही आपका ये हेड तैयार होगा, आप लास्ट में आपके देखते हैं फेसबुक आपका जो ट्रैकिंग दे रखा है वो आप इसको ऑन रख सकते हैं फेसबुक पिक्सल, ताकि आपको डेटा पूरी तरीके से मिल सके, और जिसको आप एनालाइज करके अपने ऐड को अच्छे से रन
कर सकें। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, अब इस ऐड को रन कर सकते हैं कंफर्म पर क्लिक करने के बाद। चलिए मिलते हैं किसी नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।